ਪਦਮਾਨੀ ਖੁੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦਾ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮ ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ सुबह हमारी एक बेटी वो जो जाने जो से स्कूल को जाती है, आज वो स्कूल को जा रही थी। लड़की वो 8th क्लास की मैं पढ़ती है, तो स्कूल को जा रही थी अपनी बहन अपने भाई के साथ, तो कुछ शरारती तत्वों ने उसको जबरन उठा के गाड़ी में डाल लिया। तो वो उधर से उसको उन्होंने कोशिश की, पर वो उसको धक्का वगैरह दे के उसको जबरन उठा के लेके चले गए। वो हरिपुर गांव के रहने वाले हैं, तीन लोग थे, तीन में से दो को पुलिस ने पकड़ लिया है, एक बंदा अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि वो नवालिक हैं और मुझे लगता है कि वो तीनों के तीनों नवालिक ही हैं। नहीं, इस तरह की इतनी बड़ी वारदात सरेआम उन्होंने चौक में अंजाम दी है, क्या लगता है कि मुझे लगता है कि खौफ और डर नाम की चीज़ नहीं रही है। लगातार अगर आप देखें तो तीन महीनों में एक DSP के घर पे रात को दिन को चोरी हो गई। एक महिला जो मरीन चौक पे जा रही थी उसकी चेन को छीना जाता है। एक आदमी जो शाम को 7-8 बजे घर को जाता है उसका बैग को छीना जाता है। अब मेरे को बताओ कि ये किस तरह की चोरी बिजारी, किस तरह का ये बन गया है, अब समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा, आप अभी राजबाग थाना का ग्राफ दिया कि हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम पे ये एक सबक बन जाए, लोगों को पता चल जाए कि चोर बिजारी डकैती सीना चोरी करने का क्या मतलब होता है। इनको PSA लगा के सख्त से सख्त दौराएं लगा के एक सोसाइटी को एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए पुलिस को। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? तीन में से दो बंदे को गिरफ्तार किया, जे हरिपुर के रहने वाले हैं, चौक पे रहने वाले हैं। कुछ शरारती तत्व थे, तीन लड़के जिन्होंने एक बच्ची को उठा लिया, तो हम पुलिस को मुबारकबाद देते हैं कि पुलिस ने इतनी जल्दी उनको कवर किया, दो लड़कों को, लेकिन अभी भी एक फरार है। तो हमारी मांग है SHO साहब से, DSP साहब से, कि आए दिन जो हमारे इलाके में
चोरियां हो रही हैं और चिट्टे का जो कारोबार हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले चढ़वाल में चोरी हुई थी, उससे पहले दाइये चक में 20 तोले सोना घर से ले लिया था उन चोरों ने। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आए दिन जो हमारे इलाके में जी हो रहा है, तो हमारी इनके आगे गुजारिश है, डीसी साहब के आगे गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट के आगे गुजारिश है कि ऐसे जो चोर हैं उनको पकड़ा जाए। और ये जो जो आज काम इन्होंने किया है, ये तो इतना शर्मनाक काम है कि कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं करता कि छोटी बच्ची को उठा लिया। दो लड़के पकड़े गए हैं, हमारी मांग है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो छूटने नहीं चाहिए। कितना बड़ा खतरा है ये लोग जो पकड़े गए हैं समाज के लिए? देखिए सर, जो हमारे ईमानदार लोग जो अपने काम को लगे होते हैं, जो मुलाजिम है हमारा, सुबह नौकरी आता है शाम को आता है, तो घर पे तो उनके कोई सिक्योरिटी गार्ड तो होता नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो उनकी तो दीवारें भी नहीं होती थी। लेकिन ये जो खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है, उससे तो हमें लगता है कि हर घर में दो दो सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, कैमरे लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम गवर्नर साहब के आगे गुजारिश करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यार किसी माते 370 और बैंक की टूटने के बाद जे अटके जो है ये भी चुप्पी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, 370 टूटने के बाद, 35 टूटने के बाद हम लोग ये सोचते थे कि ये 370 अगर टूट जाएगी तो हमारे लोगों को खुशहाली आएगी। लेकिन ये यूपी बन चुका है, बनने वाला नहीं है, बन चुका है। रोज तीसरे दिन चोरी होती है, डकैती होती है और लूट मार हो रही है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि जो जहाँ हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं, जिस तरह ये गदर बढ़ रहा है उसी तरह हमारी पुलिस भी उन पर काबू कर रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये काम जो दो नंबर का काम हो रहा है, जो तस्कर आ रहे हैं, जो लूट मार हो रही है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। पकड़े के लिए उनके लिए क्या मांग? उनके लिए है कि उनको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, वो छूटने नहीं चाहिए, उन पर PSA लगना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उन पर PSA लगना चाहिए और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा इस लाइन पर ना जाए। शुक्रिया। क्योंकि इनके ऊपर पीछे से भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि कभी भी इनके ऊपर कोई एक्शन होता ही नहीं। एक का तो बाप भी पुलिस में है। आज ये एक छोटी बच्ची थी, वो अब इस स्कूल जाने के लिए उधर बेड कर रहे थे, उधर से इन्होंने बच्ची को किडनैप किया हुआ है। और हाँ, जब इनको गांव के जो लड़के थे उधर, उनको पता चला, उन्होंने पीछा किया, पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया, इनको तो इधर रायबाग ऊपर से पकड़ा हुए जाके। अच्छा, अरे मांग करते हैं हम कि उनको कड़ी से कड़ी सजा, PSA लगनी चाहिए उनके ऊपर। आगे भी इधर चोर जी भैया, क्या नाम है, क्या मामला है आज? मेरा नाम राजेश्वर ग्रोच। सर, ये जो लड़के हैं ये आज कोई पहली बार इनका वारदात को अंजाम नहीं दे रहे। इन्होंने पहले भी 6 महीने पहले भी इन्होंने ऐसी ही लड़की के साथ छेड़खानी की वारदात हुई थी, उसके लिए हमने पुलिस में कंप्लेन भी की थी। लगातार इनकी कंप्लेनें की जा रही हैं, चिट्टे के काम में कारोबार में ये शामिल हैं, फिर लूट डकैती चोरी हर मामले में ये शामिल है। एक का जो एक लड़के का जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका बाप खुद पुलिस में है और सुनने में आ रहा है कि उसका बाप भी 90 की 24 बोरियां पुक्की के चक्कर में अंदर हुआ है। इसका बाप पुलिस में, उसको अभी तक पुलिस वालों ने बताया नहीं है, सामने नहीं लाया, पता नहीं है पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। जो इनका मेन जो है वही है लड़का, पुलिस वाला, हाँ मास्टर माइंड जो है वो पुलिस वाले का बेटा है, पुलिस वाले भी उसको सेफ कर रहे हैं। और जब पिछले 6 महीने से इनकी कंप्लेने हमने पुलिस को दे रखी हैं, आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सर उस टाइम 6 महीने पहले ये 3-4 थे, आज इनका गैंग बन चुका है। और पुलिस इनको बचाने का काम करती है, ज्यादातर इनको बचाने का काम कर रही है। हम तो चाहते हैं कि अगर पुलिस नहीं कर सकती तो हमें सौंपा जाए इनको, हम इनका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इन पे PSA लगना चाहिए, PSA नहीं लगता उससे भी बेहतर है कि लोगों को इनको सौंपा जाए, ताकि लोग इनका अच्छी तरह से इनकी मसाज करें, मालिश करें और इनकी टांगे बाजू तोड़ के इनको परमानेंट इनका सोल्यूशन किया जाए।